हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीक एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसी करके लास्ट वीडियो के अंदर मैं हाफ बाजू की स्लीप की टी शर्ट में था, अभी मैं फुल बाजू की हुडी में हूँ। तो गाइस ऐसे ही चल रहा है अभी। एंड आज हम एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं, थोड़ी देर में मेरा फ्रेंड आएगा, मैं आपको उसके साथ में मिलकर बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो बंदा अब घर से निकला है, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब जाके निकला है घर से। सो यू नो इट्स गोना बी अ लॉन्ग वेट। तो यस, इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो। आप सब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी को एंड आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस इसको, इस बंदे की शक्ल देखो, दिखा नहीं रहा है, जान मुझके दिखा नहीं रहा है, जो कि है नहीं शक्ल दिखाने लायक। इस बंदे को मैंने बोल के रखा था सवा दस घर से निकल जा, घर से फ़ोन उठा रहे हैं तो भाई साहब जी नहा रहे हैं अभी, उसके 10 मिनट बाद कॉल कर रहे हो तो कह रहा है अभी निकल गया मैं। डाल दे। गाइस 11:59 हो चुके हैं, हमारा शो स्टार्ट होने वाला है 12:10 पे। भाई साहब देखो 12:10 पे ना, अभी नेक्स्ट मेट्रो आने वाली है पूरे 6 मिनट में। अब तू मेरे को ये बता इधर आ, तो 2 मिनट के अंदर मेरे को कैसे लेके जाएगा थिएटर के अंदर? देख, जुटेगी तो साथ में जुटेगी, वरना नहीं जुटेगी। देखो इसको यार, साले ऐसी अकेला अकेला पूरी नहीं रहेगा। यही लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं भाई ऐसी स्कीमों से अपनी। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वेगस मॉल द्वारका, देख सकते हैं आप। चलिए इस पे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं हम आप पे है क्यों आए हैं। चलिए गाइस, लिटरली दिल्ली के अंदर होते हुए भी हम लोग इस टाइम पे वेगस में हैं। दिस इज PVR वेगस मॉल, ये देख सकते हो कितना ऊंचा है। चलो चलते हैं यार, मैं खुद एक्चुअली बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ तो फ्लोर ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट सेकंड पे ही था, सेकंड पे ही है। गाइस फाइनली हम लोग थिएटर के अंदर पहुंच चुके हैं, बट आई रियली विश कि हमारी एक सेकंड की मूवी मिस ना हुई होगी, है ना। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं एंट मैन एंड द क्वांटम मेनिया देखने के लिए IMAX में। आप पूछेंगे IMAX क्यों? थिएटर का साइज देखिए गाइस, इससे क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल, साउंड नेक्स्ट लेवल, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल एंड पैसा भी नेक्स्ट लेवल भाई। 600 रुपये की टिकट है गाइस इसकी, 600 की, लेकिन एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा, बात सच है। मजा आ जाएगा आपको गाइस। हां, मैं कई सारे डिफरेंसेस आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल थिएटर में एंड IMAX में क्या डिफरेंस होगा। सो गाइस प्लीज देखें। तो गाइज़ नॉर्मल मूवी थिएटर का साइज़ 15 फीट तक होता है, जबकि गाइज़ IMAX की स्क्रीन का साइज़ एटलीस्ट 30-50 फीट, यानी कि 2 से 3 गुना बड़ा नॉर्मल स्क्रीन से होता है। सो बहुत बड़ी होती है गाइज़। एक और डिफरेंस, नॉर्मल स्क्रीन साइज़ का प्रोजेक्टर आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्टर ही यूज़ हो पाता है, बिकॉज दैट इज़ इनफ फॉर द 15 फीट। ऑन द अदर हैंड गाइज, IMAX के पास में 2-2 प्रोजेक्टर होते हैं, कैन यू इमेजिन? सो ये 2 प्रोजेक्टर जब साथ में चलते हैं तब जाके इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपको मूवी शो होती है। सो या आप है गोल्ड मेडल होम ऑटोमेशन से भाई, मूवी ओवर हो चुकी है, कैसी लगी भाई तेरे को? बढ़िया थी भाई, बढ़िया थी ना। कई सारे जो रिव्यूअर्स हैं वो अच्छा नहीं बता रहे उसको, लेकिन मुझे तो सही लगी, बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट एंड सेकंड से ज़्यादा अच्छी लगी। खाना क्या खाने जाता है बताओ, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, डोमिनोज है उधर, बर्गर किंग भी है पीछे, चिलीज रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। गाइस मैं भूल तो गया था यार, इसका बर्थडे अभी पिछले वीक गया है, इसने बोला था ये पार्टी देगा, चल भाई पार्टी पे। हाँ भाई चलो, हाँ चलो क्या, अपने आप से हाथ दिला दी ना, मेरे को गलती से हाथ आ गया। तू तो मैं तो दे ही देता उसमें क्या है। हाँ बिल्कुल दे देता भाई तू, चल भाई सब सुन सुन। अब जितने भी सारे के सारे वो है ना जॉइंट्स है, सबसे एक आइटम लेके आ। गाइस आ चुका है हमारा ऑर्डर, आज हमने टाको बेल से ट्राई करा है कुछ लंच स्पेशल इस भाई को कराने का उल्टा ये मेरे को करा रहा है, सॉरी। तो ये सब हमारा है, इसके अंदर एक टाको है, एक बरीटो है, मैक्सिकन फ्राइज हैं, सिनेमन ट्विस्ट है एंड पेप्सी है, एंड वन मोर आइटम इज कमिंग जिसका नाम है चलूपा। ले रख दे चलूपा, रख दे चलूपा। ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि टाको इज लाइक पापड़ के अंदर आपने सैलड भर के रखा हुआ है एंड उसके अंदर एक आध ड्रेसिंग है बस, लेकिन हाँ यार बहुत बड़ा टेस्टी है इसका कॉम्बिनेशन साथ में, है ना। इसी बात पे गाइस क्रंच टाइम।
गाइस अब हम अनबॉक्स करने वाले हैं हमारे चलूपा को। तो चलूपा कुछ नहीं है, एक टाको है जिसके अंदर पनीर है एंड काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। चलो इसको खा के बताता हूँ कैसा है। बहुत बढ़िया, इसका टेस्ट मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है यार। मैकडॉनल्ड्स खाते हो ना गाइस आप? मैकडॉनल्ड्स का सेम एग्जैक्ट टेस्ट, बस पनीर ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन डिलीशियस तो बहुत ज़्यादा ही है। या भाई मज़ा आ गया, पूरा मज़ा आ गया भर गया भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा था उस बॉक्स के अंदर जो वेज बॉक्स था टाको बेल का। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट टू यू गाइस। ये आजकल वो छपरियों का जो ट्रेंड चला हुआ है तो बीच में ऐसा वीडियो कैमरा रख के फिर यूँ बनती है वीडियो उनकी, वो ऐसे बनती है वीडियो फिर उनकी। यस, मैच जाने से पहले कॉफ़ी वगैरह पी जाए थोड़ी? बिल्कुल पी जाए। कहाँ की कॉफ़ी पी जाए? टिम हॉर्टन्स। टिम हॉर्टन्स, चलो भाई चलते हैं टिम हॉर्टन्स। गाइस ये बीपर बीप कर रहा है, इट मीन्स कि ये टाइम हो चुका है हमारा ऑर्डर लेने का। तो गाइस आ चुकी है हमारी कॉफ़ी एंड मैंने मंगाई है फ्रेंच वनीला जो कि टिम हॉर्टन्स की स्पेशलिटी है। इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी है। गाइस बेस्ट कॉफ़ी है फ्रेंच वनीला जो उनकी है, इसको तो कोई शक वाली बात नहीं है। सो या तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन यानी कि रेडिसन ब्लू होटल के अंदर। हम लोग होटल में रहने के लिए नहीं जा रहे लेकिन हाँ यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक गेम पार्लर कह सकते हो आप, गेम स्टेशन कह सकते हो, जिसका नाम है स्मैश। तो या हम वहाँ पे गेम्स खेलने के लिए जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग स्मैश। गाइस आ चुके हैं हम लोग स्मैश के अंदर। फर्स्ट चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं वो है बोलिंग एंड ये इस तरह का कार्ड होता है यहाँ पे, इसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है। जब आप उसको आप रिचार्ज कर दोगे तो आप कोई सी भी गेम खेलने के लिए जा सकते हैं ना। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम है बोलिंग करने के लिए जा रहे हैं। चलो चलते हैं, ये देखिए एम्बियंस देखिए यहाँ का। सो गाइस बोलिंग में यहाँ पे ना 40 मिनट्स का वेट हमसे करवा रहे हैं जब तक हम लोग बाकी गेम्स खेल लेते हैं ना। सबसे पहले तो मैं बॉक्सिंग वाली मशीन से मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं चाहता हूँ यार इसमें जितना हो सके उतना ज़्यादा हिट करूँ। पता नहीं कैसे भगवान जाने यार, आप भाई कमेंट करके बताना आपको फेयर लगता है वो मशीन ने जो बोला था। लास्ट बार भी तो इसमें आ रहा था याद है तो? नहीं, ये आ रहा था। अच्छा क्या कह रहा था तू? कौन आ रहा था लास्ट टाइम पे? कौन आ रहा था? ओ बढ़िया था लेकिन। ओ बढ़िया भाई, पता नहीं क्या ग्लिच है, इसने दो बारी चल ली फिर भी इसकी एक बारी दिखा रहा है। चल ले भाई मौके का फायदा उठा। और क्या फायदा उठाया भाई ने, क्या फायदा उठाया इसने। और फाइनल स्कोर वी आर डन। मार दे जैसे भी मारना यार। चल भाई ये yeah.
गाइस फाइनली हम लोगों ने खेल लिया सब कुछ यहाँ पे स्मैश के अंदर, लेट इट बी बोलिंग या फिर हैमर वाला, बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स और भी बहुत कुछ था, बट या काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी पैसा खर्चा कर दिया हमने। बस अब घर चलते हैं। जितने भी हैरी पॉटर फैंस हैं गाइस, या आई एम अ फैन ऑफ ग्रिफिंडोर, ये नाशक्ति का फैन है, एंड आई एम अ फैन ऑफ ग्रिफिंडोर, दैट इज गरुड़ द्वार। आपका कौन सा फेवरेट हाउस था हैरी पॉटर का, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए नीचे। इसका तो पक्का नाग शक्ति है भाई, ये लगता भी नाग जैसा ही है। अभी सो भी गैस लगा सारी गेम्स मार कर। सारी में कहां आ रहा है, एक बार टाइम नहीं वाला उसको बॉलिंग लास्ट करी थी हमने, लास्ट बॉलिंग तो करी थी और क्या करी। अच्छा हैमर था यार, हैमर भी तो था, हैमर भी आ रहा था। जी तुक्के देता है, बिलियर्ड्स पे इसकी कोई स्किल्स नहीं है, बॉक्सिंग वाले में कोई स्किल्स नहीं है, सब पे तुक्का चला बंदे का। ऊपर से बोलिंग के अंदर भी इसको लास्ट में तीन चार मौके दिए उन बंदों ने, उसके बावजूद भी बंदा नहीं जीत पाया, तो क्या बोले, तीन बार लगातार खाली, और ये अपनी स्किल्स बता रहा है। ये वीडियो में वीडियो डालूंगा मैं जो बनाई हुई है मेरी, ये पार्ट मैं कर दूंगा एडिट, क्या कर लेगा। चलो तो गाइस उसी के साथ में, जिस स्टेशन पे मैं सुबह इस ब्लॉग को स्टार्ट करके आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, उसी के साथ में मैं आपको बाय बोलता हूँ। हो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, हमने तो बहुत इंजॉय करा, होपफुली आपने भी इस ब्लॉग को एंजॉय करा होगा हमारी तरह। होपफुली मैं आपके लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीक जरूर लेके आऊँगा, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय। आई बोल बाय। इम्पीरियल रेड एंड ब्लू, क्या क्या पैसा, क्या क्या, अरे।